नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर और मैं इस चैनल दिवाकर डॉट्स में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अभी अभी थोड़ी देर पहले नोटिस जारी किया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से, जो कि पार्ट थ्री सेशन 2023 वाले सेशन के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो कि पार्ट थ्री में जो है कि एडमिशन बहुत सारे कॉलेज में ले भी लिया और ले भी रहे हैं, और उन्हीं के साथ जो अभी नोटिस जारी करके बताया जा रहा है कि कब से जो है एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, वो इसमें नोटिस जारी किया है। तो इसी के विषय में आप लोगों को इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना समय लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और जितना सके उतना शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस जारी किया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है। एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि स्नातक प्रथम खंड द्वितीय खंड में उत्तीर्ण प्रोणित एवं परीक्षा फल लंबित परीक्षार्थियों का स्नातक तृतीय खंड सत्र 2023 परीक्षा 2023 के परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये जो है विश्वविद्यालय के ऑफिशियली जो है ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सामान्य शुल्क के साथ आपको जो है सामान्य शुल्क के साथ आपको 27 मार्च 2023 से लेकर के 4 अप्रैल 2023 तक ये ऑनलाइन चलेंगे। यानी कि देख सकते हैं सामान्य शुल्क जो विश्वविद्यालय के जो शुल्क होगा वो जो है 27 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। उसके बाद जो है सामान्य विलम्ब शुल्क के साथ 30 रुपया आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, और उस 4 अप्रैल से पहले आप नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको 5 अप्रैल 2023 से लेकर के 6 अप्रैल 2023 तक जो है 30 रुपये का विलम्ब शुल्क आपको लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रायोगिक परीक्षा जो है 12 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 अप्रैल 2023 तक चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे सैद्धांतिक पत्रों के परीक्षा की प्रस्तावित तिथि जो है 17 अप्रैल 2023 तक, यानी सॉरी पेपर के एग्जाम लिए जाएंगे यहाँ पे साफ साफ दिए हुए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डिक्लेयर करके बता दिया है नोटिस जारी करके, जो कब से कब तक आप लोगों का जो है एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोगों को जो इसी पर तो आप लोगों को इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है, और आपको जो है 27 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में आप लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा। जैसे ही कोई इसका जो है लिंक जारी करता है 27 मार्च को, तो मैं आपको इस पर प्रॉपर वीडियो ला करके आप लोगों को आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जरूर से जरूर मेरे चैनल पे विजिट करके आप लोग जो है इस वीडियो एग्जाम फॉर्म किस तरीके से भरते हैं वो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से, जैसे मैं ये नोटिस जारी किया उसी प्रकार से मैं आप लोगों को सूचना दे दिया हूँ। तो अगर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो लाते रहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही जितना हो सके उतना शेयर भी कर देना, क्योंकि और भी छात्र छात्राएँ जान सके इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।